नमस्ते दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि जले कटे फोड़े फुंसी व स्किन की हर समस्या का रामबाण इलाज है कपूर। दोस्तों, आप सभी ने सुना होगा कि कपूर का उपयोग पाठ पूजा व हवन आरती में किया जाता है, लेकिन कपूर सिर्फ पूजा पाठ या हवन आरती के लिए ही उपयोगी नहीं होता, इसके सेहत को भी बहुत सारे फायदे होते हैं। इसमें एंटीबायोटिक व एंटी फंगल गुण पाए जाते हैं जो हमारी सेहत व ब्यूटी के लिए बहुत फायदेमंद होते हैं। कपूर और इसका तेल दोनों ही हमारे लिए बहुत काम की चीज है जो कई तरह की परेशानी को दूर करते हैं। आइए जानते हैं इससे होने वाले फायदों के बारे में। पहला है, मुहासों को ठीक करता है। कपूर का तेल चेहरे के कील मुहासों को ठीक करने में बहुत फायदेमंद होता है। अगर आपको स्किन संबंधी कोई भी समस्या है तो आप कपूर से बने तेल का उपयोग करके इससे छुटकारा पा सकते हैं। अगर आपके चेहरे पर कील मुहासे हो गए हैं तो आप कपूर के तेल से उन पर मसाज करें। ऐसा करने से आपको इस समस्या से निजात मिल जाएगी और आपका चेहरा सुंदर दिखने लगेगा। दूसरा है, फोड़े फुंसियों के लिए। जिन लोगों को स्किन से संबंधी जैसे फोड़े फुंसी या इन्फेक्शन आदि की समस्या रहती है, उनके लिए भी कपूर बहुत बढ़िया औषधि होती है। अगर आपको मौसम के कारण या अन्य किसी वजह से फोड़े फुंसी निकलते हैं तो आप उन पर कपूर का तेल लगाएं। इससे आपको बहुत जल्दी इसमें आराम मिलेगा। इस तेल का उपयोग आप किसी जले या कटे हुए पर भी कर सकते हैं। यह ना सिर्फ घाव को भरता है बल्कि उसका निशान भी मिटा देता है जो देखने में काफी भद्दे लगते हैं। तीसरा है, बालों की हर समस्या का समाधान होता है। कपूर बालों के लिए भी बहुत फायदेमंद माना जाता है। अगर किसी को बाल झड़ने या डैंड्रफ की समस्या रहती है तो कपूर के तेल से मालिश करें, इससे यह समस्या दूर हो जाएगी। कपूर का तेल गंजेपन की समस्या को भी दूर करता है। इसे दूर करने के लिए कपूर के तेल में थोड़ा सा दही मिलाकर बालों की जड़ों में लगाएं और फिर 1 घंटे के बाद बालों को धो लें। इससे आपके सिर पर नए बाल उगने लगेंगे और जल्दी बढ़ेंगे व मजबूत भी हो जाएंगे। चौथा है, तनाव को कम करता है। कपूर का तेल तनाव व डिप्रेशन को दूर करने में काफी मददगार होता है। अगर आपको सिर दर्द या फिर तनाव बहुत ज्यादा रहता है तो आपको कपूर के तेल से मालिश करनी चाहिए। इससे आपका दिमाग शांत रहता है और तनाव व सिर दर्द भी ठीक रहता है। पांचवा है, अंदरूनी दर्द को ठीक करता है। शरीर के अंदरूनी दर्द में भी कपूर का तेल एक असरदार औषधि का काम करता है। अगर किसी को यह समस्या है तो शरीर के जिस भाग में भी दर्द हो, वह कपूर के तेल को हल्का गुनगुना कर उससे मसाज करनी चाहिए। इससे आपको दर्द से छुटकारा मिलेगा। छठा है, पैरों में इन्फेक्शन व फंगस को दूर करता है। कपूर का तेल पैरों में इन्फेक्शन व फंगस को दूर करने में भी बहुत फायदेमंद होता है। अगर आपको यह समस्या है तो एक टब में गुनगुना पानी लें और उसमें थोड़ा सा कपूर का तेल डालें, फिर इसमें आप अपने पैरों को डुबोकर बैठें। इससे आपके इन्फेक्शन, फंगस व फटी एड़ियां और साथ ही पैरों का दर्द भी ठीक हो जाएगा। तो दोस्तों, ये थे कपूर के तेल से होने वाले फायदे जो आपके लिए बहुत उपयोगी हो सकते हैं। अगर आपको भी ऐसी कोई समस्या है तो आप भी कपूर का तेल उपयोग करें ताकि आपको इन परेशानियों से छुटकारा मिल सके। आप कपूर का तेल किसी भी दुकान से खरीद सकते हैं या फिर इसे घर पर भी बना सकते हैं। इसके लिए आप नारियल के तेल में कपूर मिलाकर किसी एयरटाइट जार में बंद करके कुछ दिनों के लिए रख दें। यह कपूर के गुणों को अपने अंदर सोख लेगा, इससे आपका कपूर का तेल तैयार हो जाएगा। तो दोस्तों, ये थी आज की जानकारी। ऐसे ही और हेल्थ के वीडियोस देखते रहने के लिए आज ही हमारा चैनल सब्सक्राइब करें।